रात से टकराने की आशंका है, लेकिन भारी बारिश आज से ही। और इसी वजह से गुजरात के सभी बंदरगाहों पर अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जयपुर से। ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। राजस्थान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यही वजह है कि आपको बता दें कि गहलोत सरकार के खिलाफ सभी कार्यकर्ता वहां सड़कों पर उतरे हैं और राजस्थान विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बीजेपी का भले ही प्रदर्शन हो, लेकिन सचिन पायलट खुद अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले पर आप कब एक्शन लेंगे। डेडलाइन तक तय की गई, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से ना कोई कुछ आश्वासन दिया गया, ना कोई कदम उठाए गए। अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान उन प्रदेश में से है जहां पे भ्रष्टाचार का मुद्दा हर चुनावी साल में छाया रहता है और इस वक्त भी यह चुनावी प्रदेश है और यहां भी इस तरीके की खबरें मिल रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हैं। और देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी तादाद में आप देखिए कि कार्यकर्ता वहां जुटे हुए हैं और प्रदर्शन उनका जारी है। पहले से ही ये प्रदर्शन जो है उसके बारे में जानकारी दी गई थी और पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। गहलोत सरकार पर के खिलाफ ये प्रदर्शन है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हाथों में झंडा लेकर राजस्थान विधानसभा के बाहर वो डटे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर नारेबाजी भी इस वक्त हो रही है। जयपुर से ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, राजस्थान विधानसभा के बाहर देखिए बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर डटे हुए हैं। जिंदा रखा जाए, दूसरी तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस मुद्दे से ध्यान अटका जाए। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि लाठीचार्ज नहीं हो, लेकिन क्योंकि जिस तरीके की धक्का मुक्की है, बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, तो कई कई जगह धक्का मुक्की, हल्का लाठी प्रयोग हो रहा है। और अब यहाँ पर ये यहाँ जो लाइन जहाँ पर हम खड़े हैं, बीच की लाइन है, अगर इससे आगे और क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर मुश्किल बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में पुलिस को सख्ती करनी पड़ सकती है। तस्वीरें फिर एक बार आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इस वक्त आप देखिए कि बीजेपी के नेता यहाँ इसी जगह पर धरने पर बैठे हैं। इधर आइए, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से राठौर साहब लोगों की गाड़ियों पर क्या कहेंगे? ये सरकार की नादरशाही है। हम सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, यहाँ हमारे पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सिर्फ सरकार से यही कह रहे हैं हमारा ज्ञापन लो और जांच कराओ, वो हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो आप जिन मांगों पे डॉक्टर साहब पेपर ही बुराइयां तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ थे, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि वो ज्ञापन देना है, जो उनकी मांग है उनको लेकर ज्ञापन देना है, वो ज्ञापन ले ले, वो उलझना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनको यहाँ पर ज्ञापन लेने के बजाय उनको खदेड़ा जा रहा है, इसको लेकर नाराजगी है। तो आप यहाँ पर आप देखिए कि जो इस वक्त आप बीजेपी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। योग के संदेश को फैलाने के लिए मीडिया के योगदान के लिए प्रिंट, टीवी और रेडियो की श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मेलन के लिए इस साल के एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। तीनों कैटेगरी में 33 सम्मान दिए जाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए और दूसरी जानकारी के लिए www.mib.gov.in पर विजिट कर। वाली साजिश बता रहे हैं। हरिद्वार में मजार हटाने की कार्रवाई कर रही प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद वहां पर विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को लाठी चार्ज करना पड़ा। हंगामे का ये वीडियो हरिद्वार के भादराबाद इलाके से आया, जहां नहर की पटरी पर एक मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप था और उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध करने लगे। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो लाठी चार्ज करके उन्हें दूर भगाया गया।